वेलकम करते हैं आपको एनएस हेल्दी ट्रिप्स में। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही यमी सा चिकन एंड वेज सूप। इसके लिए जो मैंने इंग्रेडिएंट लिए, सबसे पहले मैंने ऑलमोस्ट 3 से 4 ग्राम जो है वो चिकन ले लिया है। इसको मैंने 1 लीटर पानी इसके अंदर डाला है और इसके अंदर 3 से 4 बड़े जवे जो हैं वो लहसुन किस तरह से मैंने साफ़ करके इसके अंदर डालूंगी। और इसमें हम इसको अभी बॉयल आने देंगे। जब तक इसके अंदर बॉयल करेंगे, आपने 3 से 4 लहसुन के जवे डाल लेने, थोड़ा सा इसमें आपने नमक ऐड कर लेना है। ज़्यादा क्वांटिटी में ऐड नहीं करना क्योंकि जब सॉसेज जाएंगे तो वो तेज़ हो जाएगा। थोड़ा सा नमक ऐड करना है। अब इसको हमने बॉयल आने देना है। ओके, अब इसके अंदर हम जो है इसमें वेजिटेबल जो है, जो भी सीजनल वेजिटेबल है आप सूप में यूज़ कर सकते हैं, उसको जो है आप सौते कर लेंगे। मैंने यहाँ पे जो है कैबेज ली है, कैरेट ली है, शिमला मिर्च और ग्रीन चिली थोड़ी सी यूज़ की है। अब इनको मैं हल्का सा सौते कर लूँगी। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन से सौते हो गई है। वेजिटेबल बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं करनी है आपने, क्रंचीनेस आनी चाहिए, देखिए कितने खूबसूरत कलर ले बने। आप इसमें कोई भी सीजनल वेजिटेबल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सौते हो गए, अब इसको हम साइड पे कर देंगे और अपना चिकन चेक करेंगे कि बॉयल हो गया कि नहीं। जो वेजिटेबल्स आपने सोते करके रखी हैं उनको यूज़ करेंगे अभी। आपने स्टॉक में से चिकन निकाल कर उसे श्रेड करके रख लेना है और अब इसमें सिर्फ आपका जो चिकन स्टॉक है वो बच जाएगा। आपने चिकन से मैंने निकाल दिया था, अब हम इसे सोते कि वेजिटेबल्स जो है इसके अंदर ऐड कर देंगे। जो चिकन श्रेड किया था वो भी इसके अंदर जाएगा। 2 टेबल स्पून आप सोया सॉस लेंगे, 2 टेबल स्पून आप चिली सॉस लेंगे, 1 टेबल स्पून विनेगर जाएगा, सिंथेटिक विनेगर, 1 ब्लैक पेपर जाएगी, 3 मैंने यहाँ पे अंडे ले लिए हैं, इसको हम बीट करेंगे। अब आपने जो है बीट करके रख लिए, उनको आप धार बना के ऐसा से डालेंगे और साथ साथ आप चम्मच चलाएंगे। अभी आपने 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर ले लेना है। कॉर्नफ्लावर को उसमें पानी में मिक्स कर लेना है। अगर आपका सूप ज़्यादा है तो आप कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी भी जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने जो है 3 टेबल स्पून लिए है कॉर्नफ्लावर, उसको ग्रेजुअली आप आहिस्ता आहिस्ता इसमें मिक्स करेंगे, जितना आपको थिक चाहिए उसके हिसाब से डालेंगे। मुझे इतनी ही कंसिस्टेंसी पसंद है तो मैं इतनी ही रखूँगी। अब इसको मज़ीद सिर्फ 5 मिनट्स और पकाएंगे और आपका सूप रेडी हो जाएगा सर्व के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सूप रेडी हो गया है, सर्व कर दिया है। आप भी सूप ट्राई कीजिए, विंटर्स हैं और विंटर्स के लिए बहुत बेहतरीन है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।